नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनर में। दोस्तों, आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो है, आपको कई बार प्रॉब्लम होती है कि जब आप मैथ का पेपर बनाते हैं तो आपको फॉर्मूले लगाने में या इक्वेशन बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती, तो दोस्तों कोरल ड्रॉ के अंदर भी आप बहुत ही आसानी से मैथ का पेपर बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो ऊपर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है हम उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक करते हैं, उसके बाद जो इसके साइड में क्रिएट न्यू आया हुआ है इसको आप एज इट इज़ रखें, और उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0, आप इसको क्लिक कर दें और ओके कर दें। दोस्तों, ये टेबल पूरी फॉर्मूले की खुल चुकी है और आपको इसके अंदर सभी प्रकार के फॉर्मूले ऑलरेडी बने मिलेंगे, सिर्फ आपको अपना जो टाइप करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लस माइनस 5 लिया है और इसको मैंने हटा दिया, देखो प्लस माइनस 5 आ चुका है। उसके बाद दोस्तों, आप दोबारा से अगर कोई भी फॉर्मूला या कोई भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, उसके बाद इक्वेशन। ये दोस्तों, इसमें आप कोई भी फॉर्मूला F1 वाला, इक्वेशन वाला या कोई भी जो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है दोस्तों, वो सब इसके अंदर है, और आप कोई भी नंबर, कोई भी फॉर्मूला आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन फुल रही है, मैंने अच्छी वीडियो आपके सामने ली है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको नई ऐसी वीडियो देने का। दोस्तों, आप कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर को बड़ी मैथ को बड़ी आसानी से। दोस्तों, ये गलत इसलिए आया है क्योंकि ये फॉर्मूला सही नहीं था, इसलिए धन्यवाद दोस्तों।